नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं वंदना। अब बिहार विधानसभा सत्र का आज सातवां दिन है। तमाम विपक्ष सरकार को घेरने का काम करी, इसी क्रम में राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई बीरेंद्र हैं और इनसे जानते हैं। सर, आज पहला मेरा सवाल है कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, क्या कहें? मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, जन्मदिन की बधाई देता हूँ और वो दीर्घायु हो, लेकिन वैसे लोगों के साथ न रहें जो देश को बेच रहा हो। आप किसानों के पक्ष में खड़े हों। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है कि किसानों के जिस तरह से अन्याय हो रहा है, वो अन्याय मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं, उनको टुकुर टुकुर नहीं देखना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आज कोरोना वैक्सीन को भी लेकर के विधानमंडल में भी इसका शुरू किया गया, नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन पता होगा तो अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों से राय लेने के बाद ही उसका फलाफल क्या हो सकता है, तो राय लेने के बाद ही हम उस पर। क्या मुद्दा रहेगा सदन में? आज किसानों का मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा देश में हो ही नहीं सकता है। किसान का है, बेरोजगारों का मामला है, रोजगार का मामला है, इन सब मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। ओके, तो आए दिन किसानों को लेकर के लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन और हंगामा चल रहे हैं। इसी क्रम में भाई बीरेंद्र का कहना था कि जिस प्रकार के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, हम यही मांग करते हैं कि किसानों को हित के लिए मुख्यमंत्री सुने और समझें इस बात को, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बिहार पूरा बेरोजगार से जूझ रहा है, तो रोजगार देने का काम करें। देखने वाली बात रहेगी कि जिस आज सदन का सातवां दिन है तो किस प्रकार आज सदन चलता है। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं वंदना। सदन का आज सातवां दिन है और लगातार सरकार को घेरने का विपक्ष काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मोहनिया के विधायक संगीता जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि मैडम, आज आप पोस्टर ली हुई हैं, अन्नदाता ही देश के भाग्य विधाता हैं, किसान अन्न उगाता है तभी तो पूरा देश अन्न खाता है, क्या कहेंगे मैडम? आप देख लीजिए, निश्चित रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता ही देश का विधाता है, और जिस तरह से भारतीय किसानों की अनदेखी हो रही, उनके समर्थन में हम यहाँ सदन के बाहर खड़े हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री चाहे सदन के जो लोग हैं इस चीज़ को मानेंगे? अब भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष अपनी बातों को मजबूती से रखे, और निश्चित तौर पर हम अपनी बात रखेंगे, हम रखेंगे, और सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी हम अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और उनकी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, मस्त रहें। आज मेन मुद्दा आप लोग का किसान ही रहे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि संगीता जी थी जिन्होंने साफ तौर से कहते नजर आई कि आज मेन मुद्दा किसानों का रहेगा, जो इस बात को लेकर के सदन के अंदर उठाया जाएगा। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उसको लेकर के बधाई भी दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से देश को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा न किया जाए, ताकि हमारे देश को बचाने के लिए, हम अपने देश को बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।